कक्षा 8 के लिए इतिहास की पाठ्यपुस्तक हमारी अतीत की पाठ 5 जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद भाग 2 का अध्ययन करेंगे। बगावत फैलने लगी। जब दिल्ली से अंग्रेजों के पैर उखड़ गए तो लगभग एक हफ्ते तक कहीं कोई विद्रोह नहीं हुआ। जाहिर है खबर फैलने में भी कुछ समय तो लगना ही था, लेकिन फिर तो विद्रोहों का सिलसिला ही शुरू हो गया। एक के बाद एक हर रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और वे दिल्ली, कानपुर, लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों का साथ देने को निकल पड़े। उनकी देखा देखी कस्बों और गांवों के लोग भी बगावत के रास्ते पर चलने लगे। वे स्थानीय नेताओं, जमींदारों और मुखियाओं के पीछे संगठित हो गए। ये लोग अपनी सत्ता स्थापित करने और अंग्रेजों से लोहा लेने को तैयार थे, अर्थात अंग्रेजों से लड़ने के लिए वे तैयार थे। स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब कानपुर के पास ही रहते थे। उन्होंने सेना इकट्ठा की और ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया। उन्होंने खुद को पेशवा घोषित कर दिया। उन्होंने ऐलान किया कि वे बादशाह जफर के तहत गवर्नर है। लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए और नवाब वाजिद अली शाह, कौन? नवाब वाजिद अली शाह के बेटे बिरजिस कद्र को नया नवाब घोषित कर दिया गया। बिरजिस कद्र ने भी बादशाह जफर को अपना बादशाह मान लिया। उनकी माँ बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई भी विद्रोही सिपाहियों के साथ जा मिली। उन्होंने नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों को भारी चुनौती दी। किसने? लक्ष्मीबाई ने। किसके साथ मिली वह? तात्या टोपे के साथ मिलकर। मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में राजगढ़ की राजी अवंतीबाई लोधी ने 4,000 सैनिकों को की फौज तैयार की। किसने? अवंतीबाई लोधी ने। और अंग्रेजों के खिलाफ उसका नेतृत्व किया क्योंकि ब्रिटिश शासन ने उनके राज्य के प्रशासन पर नियंत्रण कर लिया था। विद्रोही टुकड़ियों के सामने अंग्रेजों की संख्या बहुत कम थी। बहुत सारे मोर्चों पर उनकी जबरदस्त हार हुई। इससे लोगों को यकीन हो गया कि अब अंग्रेजों का शासन खत्म हो चुका है। अब लोगों को विद्रोह में कूद पड़ने का गहरा आत्मविश्वास मिल गया था, खास तौर से अवध के इलाके में। चौतरफा बगावत की स्थिति थी। 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर ने अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेजा जिसमें उसने अंग्रेजों के भय को व्यक्त किया है। हमारे लोग विद्रोह की संख्या और लगातार लड़ाई से थक गए हैं। एक एक गाँव हमारे खिलाफ है। जमींदार भी हमारे खिलाफ खड़े हो रहे हैं। इस दौरान बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता सामने आए। उदाहरण के लिए फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह ने भविष्यवाणी कर दी कि अंग्रेजों का शासन जल्दी ही खत्म हो जाएगा। वे समझ चुके थे कि जनता क्या चाहती है। इसी आधार पर उन्होंने अपने समर्थकों की एक विशाल संख्या जुटा ली। अपने समर्थकों के साथ वे भी अंग्रेजों से लड़ने लखनऊ जा पहुंचे। दिल्ली में अंग्रेजों का सफाया करने के लिए बहुत सारे गाजी यानी धर्म योद्धा इकट्ठा हो गए थे। बरेली के सिपाही बख्त खान ने लड़ाकों की एक विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली की ओर कूच कर दिया। वे इस बगावत में एक मुख्य व्यक्ति साबित हुए। बिहार के एक पुराने जमींदार कुंवर सिंह ने भी विद्रोही सिपाहियों का साथ दिया और महीनों तक अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। तमाम इलाकों के नेता और लड़ाके इस युद्ध में हिस्सा ले रहे थे। चित्र को देखिए। ब्रिटिश टुकड़ियां विद्रोहियों पर हमला करती है जिन्होंने दिल्ली के लाल किले तथा सलीमगढ़ किले पर कब्जा किया हुआ था। कंपनी का पलटवार। इस उथल पुथल के बावजूद अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला लिया। उन्होंने इंग्लैंड से और फौजी मंगवाई। विद्रोह को जल्दी सजा देने के लिए नए कानून बनाए और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया। सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। अंतिम मुगल बादशाह बहादुरशाह जफर पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई। बहादुरशाह और उनकी पत्नी बेगम जीनत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून जेल में भेज दिया गया। इसी जेल में नवंबर 1862 में बहादुरशाह जफर ने अंतिम सांस ली।
दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाने का यह मतलब नहीं था कि विद्रोह खत्म हो चुका है। इसके बाद भी लोग अंग्रेजों से टक्कर लेते रहे। व्यापक बगावत की विशाल ताकत को कुचलने के लिए अंग्रेजों को अगले 2 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी। मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई और उन्हें मार दिया गया। दुर्भाग्यवश ऐसा ही रानी अवंतीबाई लोधी के साथ हुआ। खेड़ी की शुरुआती विजय के बाद उन्होंने अपने आप को अंग्रेजी फौजों से घिरा पाया और वे शहीद हो गई। तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते रहे। जिस तरह पहले अंग्रेजों के खिलाफ मिली सफलताओं से विद्रोहों को उत्साह मिला था, उनकी सफलताओं से विद्रोहों को उत्साह मिला, उसी तरह विद्रोही ताकतों की हार से लोगों की हिम्मत टूटने लगी। बहुत सारे लोगों ने विद्रोहों का साथ छोड़ दिया। अंग्रेजों ने भी लोगों का विश्वास जीतने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने वफादार भूस्वामियों के लिए इनामों का ऐलान कर दिया। उन्हें आश्वासन दिया गया कि उनकी जमीन पर उनके परंपरागत अधिकार बने रहेंगे। जिन्होंने विद्रोह किया था उनसे कहा गया कि अगर वे अंग्रेजों के सामने समर्पण कर देते हैं और अगर उन्होंने किसी अंग्रेज की हत्या नहीं की है तो वे सुरक्षित रहेंगे और जमीन पर उनके अधिकार और दावेदारी बनी रहेगी। इसके बावजूद सैकड़ों सिपाहियों, विद्रोहियों, नवाबों और राजाओं पर मुकदमे चलाए गए और उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। तात्या टोपे की स्मृति में जारी डाक टिकट है।